यहाँ के बच्चे भूखे मर रहे हैं पाकिस्तान को, उनको अपनी एक्टिंग बना रहे हैं, वो गलत बात है वो। आप गूगल पे देखो पाके मोबाइल को, वहां लिखेगा मोदी चोर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष योगी न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं लुधियाना में आया हूँ, एक यहाँ पर बड़े ही अनुभवी सज्जन है जो देश और यहाँ की राजनीति और हर तरफ अच्छी पकड़ रखते हैं, बुद्धिजीवी हैं। आज उनसे मैं जानना चाहता हूँ जो कुछ भी मेवाड़ में हो रहा है उसके बारे में इनकी क्या राय है। तो सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश है। राकेश साहब आपका बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस एपिसोड में। सर ये बताएं कि जो कुछ मेवाड़ में हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत मन भंगना घटना हो रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं साहब ये बताइए कि वहां पर जो निर्दोषों के ऊपर पत्थर मारे गए हैं, जो वहां पर जो वहां के निकले थे, जो जुलूस निकला था, जो भी था धार्मिक यात्रा निकल रही थी, क्या ये ठीक हुआ है? ये ठीक बिल्कुल नहीं हुआ है। चाहे कोई निर्दोष है या दोषी है, बिल्कुल ठीक नहीं। कानून के राह में उनको सजा मिलनी चाहिए। कानून कहाँ से हो रहा है वहाँ, या राज्य की जिसकी सरकार है वो कहाँ से हो रही है? नहीं तो उसमें सरकार क्या करे, पुलिस वालों को मारने लगे? सरकार पुलिस क्यों मारेगी पुलिस को? कोई जब पुलिस दुखी करेगा तभी मरेगा। नहीं ये बताइए, पुलिस वालों को थाने में दिखा रहे हैं कि थाने का जो गेट है ना, बस चला के तोड़ दिया इन्होंने। बस लगाया और बस से धक्का मार गया, टूट गया। अगर तो 9 इंच की दिवाली होती है साहब, किसी दुख के कारण ही आया ना बस में, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की तभी तो पुलिस थाने में गिराव किया होगा। साहब साहब वो लोग जो 100-200 बंदूकें लेके आए थे, वो तो वहां पर पुलिस तो इतनी थी नहीं, पुलिस तो कम देखना बंदूकें लेके कहां से आ गए वो। पुलिस की कार्रवाई ना पुलिस तनखा किस बात की लेती है? तो राज्य में पुलिस आम बंदा कमाई का अपना टैक्स लेता है, पुलिस की तनखा उसी से मिलती है ना। तो पुलिस को देखना कहां से पिस्तौले लेके आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। पुलिस को अंदर बैठे तो अंदर बैठे, लुक जाए बैठे, पुलिस का क्या काम है? रहने दो पुलिस को। हाँ ये भी बात आई है कि पुलिस वाले भी वहां पर मतलब भागते हुए नजर आए थे। भागते नजर आए इसलिए कह रहा हूँ, तनखा किस बात की लेते हैं? तो जन्म जाके बात है, फौजी भागते कभी नजर आए हैं? बॉर्डर पे बनी फौजी बाल से नजर आए, एक पुलिस वाले थोड़ी है। अच्छा ये बताइए कि उसमें जो आया है कि जिसे बिट्टू बजरंगी का आ रहा है कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि बिट्टू बजरंगी के गलत बयानबाजी से ये दंगा भड़का है? अदरवाइज भड़का नहीं था। अगर ना बता के जाता उनको, हम वहां से गुजर रहे हैं, उनके मोहल्ले में रैली निकाल रहे हैं, तो वो तो ना उससे वो जागरूक हो गए कि हम बंदा आ रहा है उसको पकड़ना है, तो कह के गया। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए चलिए ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि बिट्टू बजरंगी ने गलत बोला उनको, लेकिन बिट्टू बजरंगी को पकड़ते पूरी जो पब्लिक है, छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? बिट्टू बजरंगी जिनके सेवा में गया था, जिनके रक्षण में गया था, उनको वो भी उसको रोक रहे, उनके साथ ही गया था ना, उन्होंने रोका हुआ था उसको, उनके बल पे गया था, उनको ही पकड़ना साथ में जो उसको संरक्षण दे रहे थे। अच्छा ये बताए कि वहां से 10 किलोमीटर दूर एक कंपनी थी, पेट्रोल पंप था, उसको आग लगा दिया गया 10 किलोमीटर दूर, वो तो हिंदू का था, वो क्यों ऐसा क्यों किया गया साहब? उनको क्या पता पेट्रोल पंप हिंदू का, वहाँ स्पीड थोड़ी हो रही है। क्यों आगे बताइए कि 4 गाड़ियां 4 शोरूम बताए मीडिया दिखा रहे हैं, तब तक छुपा होगा कोई ना कोई दंगाई, तब तक छुपा होगा तभी वहाँ हंगामा होगा, हम तो वहाँ थे नहीं। नहीं आपको ये लग रहा है कि जो उन लोगों ने किया वो सही किया? अब उपद्रवियों ने उन्होंने सही नहीं किया, सही सरकार ने नहीं किया, तभी तो उपद्रव बढ़ता है। सरकार को चलना चाहिए, सरकार तो अब वहाँ पर बुलडोजर चला रही है, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ उसको रहने के काबिल नहीं है। पहले भी वहाँ दंगे हो चुके हैं, पहले भी ऐसे हो चुका है, वो बहुत घटिया सरकार है। अच्छा ये बताइए ये चीज यूपी में क्यों नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहना है? यूपी में भी हो रहे हैं दंगे, क्यों नहीं हो रहे? हाँ, यूपी में तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, उसमें इतना बड़ा प्रदेश है, आप लोगों को नजर नहीं आता वहाँ डेली होते हैं साहब? वहाँ पर तो अगर एक बंदा कोई छोटी सी भी गलती करता है तो उसको तो ऐसी सजा मिलती है, उसकी सही कई पीढ़ियां। सजा नहीं है, कोई सजा नहीं है। अभी सुनिए, एक बंदा जो है ये किसी बेचारे एक गरीब बच्चा को महाराज को जो और जलाई गई थी, लेडीज जलाई गई थी, बच्ची जलाई गई थी, वहां यूपी में नहीं जलाई गई थी? नहीं यूपी, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी तो होती साहब, सवा कार्रवाई हुई। अभी जो किसानों पे गाड़ी चला दिया था, उनको केस चला रहा है, वो कहां कार्रवाई हुई है साहब? वहां पर तो आज के डेट में मैंने वहां लड़कियों पर सर्वे किया था। कहना है जी, कोई कुछ नहीं कहना है। अच्छा सर ये बताएं, उसी की वजह साहब। अच्छा सर ये बताएं कि जो सीमा हैदर आई है पाकिस्तान से, अब मैं भी गया था उनसे, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो आप ये बताइए कि उनको फिल्मों तक खबर ऑफर आ गया है, तो आपको कैसा लग रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत गलत है, कोई आना नहीं चाहिए पाकिस्तान का कोई भी यहाँ। नहीं उसको तो अच्छी अच्छी जॉब, फिल्म में भी उसको काम मिल गया है। यहाँ के बच्चे भूखे मर रहे हैं पाकिस्तान को, उनको अपनी एक्टिंग बना रहे हैं, वो गलत बात है वो। आपको क्या लग रहा है कि वो अपनी अपनी फिल्म को फेमस करने के लिए ऐसा उन्होंने किया? ऐसा ही कर रहे हैं, बस ऐसा ही कर रहे हैं, अपनी कमाई के लिए कर रहे हैं।
मतलब ये बंदी काफी फेमस हो चुकी है दो तीन कंट्रियों में। कहाँ हो चुकी है, करने वाले करते वहाँ कहाँ फेमस हो चुकी है, नहीं तो कोई जानता भी नहीं उसको पाकिस्तान से, यहाँ ही लुधियाने में मुझे कोई जाने का नहीं कहाँ साहब ये है वहाँ तो लोग उसके पीछे घूमेंगे तभी तो लोग वहाँ पर 10-20 तो मीडिया बड़ी मीडिया वाले ही बाजी आगे करते हैं उसको। अच्छा दूसरा नहीं करता है, जो मीडिया चौथा थाम है ना वही आगे करता है, मीडिया ने मोदी को आगे किया हुआ है, मोदी मीडिया ने खट्टर को, मीडिया ने योगी को, सब मीडिया बिका हुआ हुआ है साहब। हम लोग को तो कोई पैसे मिला नहीं, नहीं, हमको तो भाई पैसे आने आए हो आपको टिकट लगा के आए थे नहीं नहीं देखिए साहब ऐसा है कि अब हम तो हमारा तो काम भ्रमण पर है साहब, जो इंडिया की जो किस्मत ना मीडिया पे टिकी हुई है, अगर मीडिया चाहे तो ऐसे करते, मीडिया चाहे ऐसे करते। साहब जो अब मान लीजिए कहीं भी हम मोदी जी के बारे में अगर बात कर लेते हैं कि कहीं भी हम सर्वे करते हैं तो ज्यादातर लोग कहते हैं हाँ उनका काम काज ठीक है, तो बताइए मैं कैसे कह दूं कि नहीं ठीक है। देखो भाई क्या राय, 8 साल हो गए उसके मोदी के काम को, ठीक है 8 साल पहले यहाँ चीजों का रेट देख लो महंगाई क्या थी, 400 का सिलेंडर था। साहब आप कमा भी तो रहे हैं, कहाँ कमा रहे हैं, हमारी तो उतनी जगह जो 12,000 कमाता था इस लड़के से पूछो आप कितना कमा रहा है, पूछो कितना कमा रहा है, जो 12 कमा था 10 कमा रहा है, जो फैक्ट्री वाले मालिक ना मजदूर को क्या कहते हैं भाई अब मजदूरी बहुत ज्यादा हुई, काम बहुत कम, मैं 12 लेता तनखा, अब 10 पे आना तो आ जा, कहाँ ज्यादा कमा। अभी बताइए कि अभी कोरोना फैला था लोगों को फ्री का राशन, फ्री वैक्सीन, वो भी तो आप ही लोग दिए फ्री का, तब तो है नहीं का राशन मोदी ने घर से दिया है, घर से दिया है तो साहब एक कोई घर ले जा रहे हैं अपने ये घर से दिया है, वो जो दो दिन लगातार बंद कर दिया किसको बताया नहीं तो यानी उसको राजनीति करना कहाँ आता है, वो थोड़ा पांड है पांड वाली का बात कर रहा है। ये बताइए कि हम लोग कहते हैं कि मोदी को राजनीति करना नहीं आता, मैं आपकी बात से भी चलिए मैं मानता हूँ, लेकिन सुनिए लेकिन वर्ल्ड लेवल पर तो मोदी का पैर लोग छूते हैं, इस पर क्या कहना है आप? गूगल पे देखो पाके मोबाइल को, वहां लिखेगा मोदी चोर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, कौन कौन कहाँ पर लिखा गूगल बताएगा, नहीं गूगल बताएगा लेकिन गूगल पर लिखा किसने है? किसने लिखा ऑल वर्ल्ड पे गूगल आपने आप ही लिखा जाता है, लेकिन मोदी को तो ऑल वर्ल्ड जो इंटरनेशनल नेता अमित शाह कौन है, अमित शाह कौन है, अमित शाह यहाँ के होम मिनिस्टर करीब बार है ये पता है आप, चलिए बोलिए आपको ज्यादा नहीं, तरीबार है भाई, मुझको ज्यादा नहीं पता रहा, आप मीडियम में आपको पता ही नहीं, आपको मीडियम में कैसे आते आप अपनी बताइए, तो साहब ये बताइए कि जो आप हम सीमा है जाके पूरे हिंदुस्तान में बेड़ा गर्क हो रहा है, कोई हिंदुस्तान की सुनवाई नहीं है, गरीब की तो बिल्कुल सुनवाई नहीं, गरीब को मारा जा रहा है, गरीबी तो खत्म हो गई, गरीब मार के तो खत्म हो गई, गरीब अमीर अमीर रह जाएंगे बस, 80% गरीब है 20% अमीर है। अच्छा ये बताइए कि पंजाब के अंदर आपके आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप इस सरकार से कितना सहमत? वो ठगों की सरकार है, वो मोदी से भी बड़े ठग हैं। अच्छा और बताइए, नहीं यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर नशा बहुत बढ़ गया, इस पर आपका क्या कहना है? नशा तो पहले जो बूटा लगा हुआ है उसको पानी मिली जा रहा है, वो उसकी पत्तियां निकली जा रही है, यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ हर चौक पर एक फर्स्ट क्लास के शोरूम में शराब की खुली हुई है, जहाँ मैं घूम रहा हूँ मैं हर चौक पर एक शोरूम देख रहा हूँ। देखो यहाँ पिछले 5 साल पहले यहाँ जो जितने शोरूम थे ना मान लो 50 थे तो यहाँ 75 हो गए हैं, 25 और बढ़ गए हैं, इतना काम बढ़ गया, तो बढ़ गई तो बताइए कि इनको पता है कि जो केजरीवाल है ना वो मोदी का भी दादा है, ठीक है ना, बड़ा भाई है उसका मोदी का, उसको पता है किससे पैसे बनते हैं, मोदी तो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा है, वो पैसे बना रहा है, शराब से पैसे बनते हैं, बता शराब पी जाओ। आप लोगों ने जब केजरीवाल को ऊट दिया जितवा दिया तो फ्री का बिजली आप ले रहे हैं, तो शराब जहाँ पहले फ्री का बिजली था पंजाब में पहले फ्री का बिजली था। अच्छा हाँ तो आप लोगों ने तो पूरा जो मीडियम तक का उनका बिल माफ, कोई फ्री का बिल नहीं ले रहे हैं, हमें तोड़ का छोड़ छोड़ा। अच्छा ये बताइए कि आप लोग केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी जो है क्या उससे सहमत हैं आप? नहीं सहमत हम, बिल्कुल पांड वाले सरकार है, पांड सरकार है, मोदी वाली सरकार है। तो आप अच्छा ये बताइए, हम आते हैं सीमा हैदर पर, आप ये बताइए कि जो कुछ भी सीमा हैदर के साथ किया जा रहा है क्या आपको लग रहा है कि वो हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर ली इसके वजह से वो लोगों की दया उसके ऊपर जा रही है, या सिर्फ अपनी कमाई के लिए अपने हाईलाइट के लिए लोग कर रहे हैं? हाँ अपने हाईलाइट के लिए कर रहे हैं बस, उसको उसको उसमें क्या है, उसको कोई ज्ञानी बंदा है कुछ, अब ज्ञानी है कुछ नहीं उसमें, अपनी हाईलाइट के लिए कर रहे हैं लोग, उसकी भी हाईलाइट हो जा रही है अपने उसको, तो कई कंपनियां जो लाखों रुपए का ऑफर कर रही हैं जॉब के लिए, फिल्म का भी आ गया, यहाँ तक एक पार्टी ने यहाँ तक कह दिया कि मैं इसको अगर एक क्लीन चिट मिल गया तो मैं इनको अपने पार्टी से टिकट दूंगा, सिर्फ क्लीन चिट का इंतजार कर रहे हैं, अपनी कमाई के लिए कर रहे हैं, हमारी कमाई होगी, पाकिस्तानी है नाम सुना के हमारी कमाई होगी। आपको नहीं लग रहा कि अगर इस बंदी को हम इतना बढ़ा रहे हैं, इतना इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बंदी कल को हमारे लिए कुछ खतरा नहीं कर सकती? क्योंकि खतरे के लिए आई हो, हमारी जो आ रही
सीकर पुवाड़ा वो सारे उसको पता लग रहे हैं बड़े बंदे। अभी तो हमारी जो सीआईए जो हमारी जांच एजेंसियां वो भी तो इस बात को मान रही है कि भाई इससे सच उगलवाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो वो लोग क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब वो पहले दे देती है। और मैं खुद बैठा उसके साथ 20 मिनट तक मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने कई क्वेश्चन किया, बड़े बड़े बाकी से तो हम लोग 50 मीडिया वाले के बीच में अकेला ऐसे जवाब दे रही हो बंदी। जैसे मोदी को फुद्दू बनाया था ना, पठानकोट में अटैक हुआ था एयरपोर्ट पे, तो मोदी को फुद्दू बनाकर ने अपनी आईएएस कंपनी वाले भेजे थे पाकिस्तान ने कि वो चेक करेंगे आगे, वैसे उन्होंने ये भेजी है, ये चेक कर रही है आगे यहाँ क्या क्या नहीं। तो आपको लग रहा है कि 6 महीने बाद पता लगेगा वो सीमा आदर कहाँ चलेगी? वो तो कहती है कि हमको मार दो यहाँ जेल में सड़ा दो, पाकिस्तान में मत भेजो। एक बार मार के देखो उसको, 2 दिन के लिए अंदर बन के देखो काली जेल में, जहाँ अपने हिंदुस्तानी भेजे हुए हैं वो चुपड़ूगढ़ में, उसको वहां भेज के देखो ना 2 दिन, फिर पता लगेगा उसको क्या बात बनती है। तो आपको क्या लग रहा है कि हम लोगों को सीमा हैदर पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमारे जवान को जो भेजा था उसका क्या नाम था, अभिनंदन को, उसका दुर्दशा क्या हुई? अब मोदी कहता मैं छुड़ा के लाया हूँ, उसको पूछो क्या हुआ, उसको कहाँ कहाँ उसके राड पाए गए, क्या क्या उसके मुंह पे पेड़े मारे गए, पाकिस्तान में क्या क्या किया उसको। तो आपको लग रहा है कि जो ये बंदी है ये हम लोगों को मतलब ब्लैकमेल कर रही है? बिल्कुल ब्लैक, इसके झांसे में आ रहे हैं हमारे हिंदुस्तान, हमारी इंटेलिजेंसी फेल है, मतलब उसको पकड़ के ले जाए, ऐसे कौन लोगों के बीच में छोड़ा हुआ उसको छोड़ना। क्या लग रहा है कि जैसे अब वो फिल्मों में भी उसको ऑफर मिल गया, वो जो जानी है, जानी लीवर ऐसे कुछ नाम है उनका, मेरे पास लिखा हो, हाँ है वो, उनका कंपनी है तो प्रोडक्शन मतलब हाउस है अपना फिल्म का, तो अपने अपने फायदे के लिए सब वो आगे आ रहे हैं बंदे, जिनको फायदा हुआ आगे आएंगे और क्या। तो कुल मिला जुला के आपको, आप मोदी जी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी भाई जो कर रहा है ना हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं कर रहा है, गरीब बंदे के लिए बिल्कुल ही अच्छा कर रहा है। अब सिलेंडर 1100 का मिल रहा है, ठीक है 400 का था, तो जो लाला बाबू क्या कहते हैं उसको, क्या है उसका नाम, पतंजलि वाला, अच्छा अच्छा ये रामदेव, रामदेव कहता था मोदी को जुटाओ 250 का सिलेंडर पाओ। अब मोदी कहता मेरा पूछ उखाड़ लो, नहीं किया तो अब किसका पूछ खाड़े, मेरे पास आए हो उसकी पूछ से मैं उखाड़ूंगा। लाला रामदेव आवे ना, लाला रामदेव है, बाबा रामदेव कोई नहीं है, लोग उसको जो हिंदुस्तान की जो जनानिया है ना अमीर अमीर, बाबा रामदेव बाबा रामदेव, बाबा कहाँ गए, बाबा बुरी क्या है उसमें, अपने उस्ताद को मार के आया हुआ है, पता है आपको? मैंने भी सुना है। अच्छा ये बताइए कि लेकिन बाबा ने तो कुछ काम भी अच्छे किए, लोगों को योग सिखा के तंदुरुस्त किया, अच्छे काम किए, तो अब अपनी आंखों की रोशनी ठीक नहीं कर पाया, तो कहता मैं पैरालाइज का, आपका अपना गोडा तो ठीक नहीं था, अमरीका में जाए गोडे का इलाज करा रहा है, कहाँ का बाबा हो गया है, कहाँ का दवाई देता देसी? नहीं ये बताइए, वो तो ये कहते हैं कि भाई मैंने अपनी अपना पैरालाइज, भाई जो मसाले आज पीते हैं दुकानों पे उसके बिक रहे हैं सारे, घोड़े के मूत के, घोड़े के पेशाब के, सारे लिद के पैसे मसाले बनाए हुए उसने, पी रहे हैं लोग, खुश हो रहे हैं। अब मोदी को कोरोना कहता ताली बजाओ, गोबर खाओ, ये कुछ वही कुछ होना है, गोबर ही खाने को मिलना है लोगों को, और कुछ नहीं मिलना है। तो आपको लग रहा है कि मतलब जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं ठीक नहीं है? भाई जो ठीक होगा वो ठीक कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक तो दोस्तों देखिए इस सर इतने अच्छे से अपनी बात को रखे हैं, और बहुत सारे पहलू थे जो जिन पर मैंने डिस्कस किया, और बहुत ही अच्छे से जवाब भी दिया इन्होंने, क्योंकि हर देश के हर नागरिक का यह राइट बनता है कि अपने मन की बात मीडिया के सामने वो कह सकता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों आज का एपिसोड मैं ही खत्म कर रहा हूं। अगर हमारा न्यूज पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।